स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो दिक्कत आ रही है डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से, उस पर मुझे लगता है कि जो सरकार की मंशा है वो सही हो सकती है कि हम लोगों को, सभी लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ का एक जो हमने मुद्दा लिया है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन आज जो हालात बने हैं इसमें मुझे लगता है कि जो डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्निकल स्टाफ हड़ताल कर रहे हैं उनकी बात को सुनकर सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि पब्लिक सफ़र ना करे। अनेकों जगहों से संदेश आ रहे हैं प्रदेश में कि जो मरीज हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का जो जो रुख है उसको भी सुनना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलना चाहिए जहाँ लोगों को पीड़ा ना हो। जो आज चिंता इस बात की है कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको आज ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऑपरेशंस या मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन को सुधारने के लिए और वार्ता से सब कुछ संभव है। मैं मानता हूँ अगर चर्चा होगी, सार्थक रूप से चर्चा होगी, तो सब बातों का रास्ता निकल सकता है। और सरकार को भी चाहिए और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि कोई भी रुख हो वो अड़ियल ना हो और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बेस्ट तरीका हो उसको निकालना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर ऐसा इनका चाहेगा कि लोगों की मदद ना हो, गरीबों की मदद ना हो, या जो मेडिकल की जिसको रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति ना कर सकें। तो कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अड़चनें नहीं आई हैं या टकराव नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत मार्मिक है और प्रदेश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, तो इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब भी हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे कानून बनाए थे, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम्स को लेके, यूनिवर्सल एजुकेशन को लेके, फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। तो इस एक्ट को भी अब बिल पास हुआ है विधानसभा के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इसका रास्ता निकलना चाहिए। और आज मैंने वार्ता की है कुछ ऐसे डॉक्टर्स से, अपनी बात को उन्होंने रखा है। सरकार भी चाहती है कि लोगों को हम अच्छी, पुख्ता, सरल रूप से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब उसमें परिभाषा क्या होगी, रूल्स क्या होंगे, एक्ट को पास करने के बाद क्या व्यवस्था बनेगी, इस पर चर्चा करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ दोनों पक्षों से कि बैठ के बात करें ताकि पब्लिक सफ़र ना करें। मुझे बहुत पीड़ा होती है, चिंता होती है कि हज़ारों लाख लोग ऐसे जिनको आज ज़रूरत है और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं पा रहा, तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है। इसलिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वार्ता कर इसको जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहिए। सर, एपी कह रहे हैं कि वो बिल सही नहीं है, नो राइट टू, ऐसा नहीं है कि जो कोई डिसीजन नहीं आता तब तक डॉक्टर्स को क्या करना। इसलिए मैंने कहा ना कि जो वार्ता है वो भी अपना जो स्टैंड है थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, दोनों पक्षों को मिलकर बैठ के बात करें। और मैं नहीं मानता हूँ कि चर्चा करने के बाद रास्ता नहीं निकल सकता, रास्ता तो निकलेगा, लेकिन अगर बहुत देर बाद निकलेगा तो उसमें नुकसान बहुत होगा लोगों को। इसके बहुत जल्द बात होनी चाहिए। सीरियल ब्लास्ट में सेक्रेटरी के लेवल पर बात भी हुई, लेकिन बात के दौरान डॉक्टर्स केवल एक बात कह रहे कि पहले तो आप उसको वापस लें, उसके बाद कोई चर्चा नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ चर्चा के लिए सबका ओपन माइंड रहना चाहिए, चाहे वो सरकारी पक्ष है या डॉक्टर्स का पक्ष हो, सब लोगों को ओपन माइंड से, क्योंकि डॉक्टर्स भी जनसेवा दे रहे हैं ना और सरकार भी हेल्थ सर्विसेज देना चाहती है, तो अगर ऑब्जेक्टिव एक है वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, तो बैठ के समन्वय के साथ इन चीज़ों को निपटाया जा सकता है। किसी को भी, किसी पक्ष को भी अपना अड़ियल रवैया नहीं रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ इसमें जिम्मेदारी हम सब लोगों की बनती है, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी हैं, हम लोगों को आगे बढ़कर इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये हालत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मैं तो अपील करूँगा सभी लोगों से, खासकर जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्निकल जो लोग हैं, वो सब मिलकर बात करें और इसका रास्ता निकल सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, जिस सीरियल ब्लास्ट में 80 लोग मरे थे,